पहली गेंद पटकी हुई गेंद यॉर्कलैंड की गेंद थी, उसके नीचे फील्डर मौजूद है। जब तक वह फील्ड करता थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ वहां पे, लेकिन कोई भी रन नहीं। पहली गेंद मिसफील्ड हुआ वहां फील्डर से, लेकिन मनीष ने मना किया बाहर। जो भी दर्शक एक हाथ से कैच पकड़ेगा, जनाब रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप ऑफ उत्तराखंड की तरफ से ₹50 का पुरस्कार लगातार बना हुआ है। यह गेंद पटकी हुई गेंद आसमान को छूती हुई गेंद बाउंड्री सीमा रेखा से बहुत दूर 6 रन। दर्शक फील्डर वॉलंटियर सब लोग तैयार हैं। कैच गया तो फील्डर पकड़ेगा, बाहर गया तो दर्शक, अगर उनसे छूटा तो फिर हमारे वॉलंटियर सर भी बहुत है इसलिए स्कोरिंग नहीं कर रहा हूँ। सामने फर्स्ट एम्पायर के रूप में नगेंद्र भैया और लेग साइड में हरेंद्र भैया। चलिए एक बार फिर अनिल, एक बार फिर उठा दिया लेग साइड की दिशा में, उसके नीचे फील्डर मौजूद, देखते हैं कैच पकड़ता है नहीं पकड़ता है। और मिस फील्ड, बहुत बड़ी मछली, बहुत बड़ी मछली शिकार हो गई थी, जाल में फंसा लिया था अनिल ने, लेकिन फील्डर से सपोर्ट नहीं है भाई, अभी संजरपुर का नहीं है। बहुत बड़ा, बहुत भारी पड़ सकता है यह विकेट आप लोगों को, बहुत बड़ा नाम है मनीष का, इस तरीके से आप जीवन दान नहीं दे सकते हैं। कितना भारी पड़ेगा यह विकेट ये तो देखने को पता चलेगा। अनिल बेहतरीन गेंदबाजी, छक्का खाने के बाद फंसा ही लिया था उनको। चलिए एक बार फिर तैयार, सामने है राहुल, पटकी हुई गेंद बेहतरीन गेंद, बढ़िया गेंदबाजी। एक शॉर्ट पिच गेंद हुई थी जिसपे छक्का खाया था, उसकी अगली ही गेंद पे लगभग लगभग फंसा लिया था मनीष को, लेकिन फील्डर का साथ नहीं मिला। चलिए एक बार फिर तैयार है अनिल अपने बॉलिंग मार्ग पर राहुल के लिए। यह गेंद धीरे से पुश कर दिया, उसके नीचे फील्डर मौजूद, अगर तेज होता तो रन आउट भी कर सकता था। फील्ड थोड़ी और टाइट करनी होगी गालीपुर को भाई, लिस्ट नहीं मिली है मुझे टीम गालीपुर सामने है, लिस्ट नहीं मिली है गालीपुर की। बेहतरीन मैच जीत कर वापस से बैटिंग करते हुए यह गेंद नहीं समझ आई, बिल्कुल नहीं समझ आई, ओवर की समाप्ति, एम्पायर का घोषणा पहला ओवर का समाप्ति पर भाई एंट्री हो जाएगी। सुनील यादव भाई, एक ओवर की समाप्ति पर 8 रन का बड़ा झटका मिल सकता था इस ओवर में, लेकिन फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया, एक आसान सा लुल्ली सा कैच हाथ से छटक गया। एक्चुअली एक दो टीम एंट्री वापस ले ली है इसलिए एंट्री हो जाएगी आपकी, अभी पोस्ट किया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है, अब बात कर सकते हैं। गलत नहीं हो सकते मदन पाल जी। चलिए भैया मदन चौहान भैया, चलिए मनदीप तैयार, सामने राहुल, फुल टॉस गेंद स्वीकार किया, गेंद को मार बैटल लगे साइड बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। और जो लोगों को ठंडी लग रही है रजाई के अंदर बैठे हैं आजमगढ़ क्रिकेट लाइव, जाके वहां पे मैच का लाइव मजा ले सकते हैं। इसके पहले वाला मैच मैं भी रजाई में बैठ के लाइव ही देख रहा था, तो बहुत बहुत धन्यवाद है इन भैया का। एक बार फिर तैयार है, पटकी हुई गेंद उठा दिया है, उसके नीचे फील्डर मौजूद लेकिन उनके पहुंच से दूर, बेहतरीन छक्का। और अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो जनाब रेहान संजरी की तरफ से ₹300 का नगद पुरस्कार बल्लेबाज राहुल को। बेहतरीन बल्लेबाजी, अब वही दिशाहीन गेंद हो रही है अभी तक मनदीप से, शायद ठंड है इस वजह से भी। फिर से यह गेंद उठा दिया है मिनी हेलीकॉप्टर शॉट के रूप में और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। थोड़ा सा जोर और लगाते ₹300 आपका था, ₹300 मिस कर दिया। मैं देखते हैं लिस्ट जब मिलेगी जब ही मैं बता पाऊंगा, लिस्ट मुझे मिली नहीं है। पैसे का क्या है, अपने टीम के लिए खेलते हुए जैसी गेंद वैसी नसीहत। एक बार फिर मनदीप, एक खराब ओवर, एक बार फिर उठा दिया है 6 रन, ये बड़ा आसानी से छक्का मार रहे हैं।
राहुल जी, मनदीप लगातार दिशा हीन गेंद कर रहे हैं, सटीक लंत पे अभी तक गेंद पड़ी नहीं है इनकी। बेहतरीन गेंदबाज है लेकिन गेंद नहीं पड़ रही है। ये जो ठंड है ये हो सकता है कि ये भी एक वजह हो। एक बार फिर मनदीप तैयार, फिर से पकी हुई गेंद, फिर उठा दिया, उसके नीचे फील्डर मौजूद, चांस है लेकिन नहीं पकड़ पाए। और गेंद को जब तक फील्ड किया तब तक एक रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। काफी नाखुश नजर आ रहे हैं राहुल खुद से, क्योंकि छक्का मारने वाली गेंद थी शायद। स्कोर पहले ओवर में 8 रन था, इस ओवर में दंदना के उड़ रहा है। 31 रन पे यह स्कोर जा पहुंचा। यह गेंद बड़े आसानी से खेल दिया मनीष ने, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री से बाहर, 4 रन, वन बाउंस चौका। ओवर की समाप्ति, 35 रन 3/5, 35 बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 2 ओवर की समाप्ति पर। 17.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है गाजीपुर की टीम। और गालीपुर अगर मैच को जीतना है या फिर मैच को लड़ाना है तो थोड़ा बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी। भाई ठंडी बहुत ज्यादा है, हाथ चल नहीं रहा है, हवा भी है ग्राउंड पे। पहले ओवर में 8 ओवर का यह मुकाबला है, 4 बॉलर का यूज कर सकते हैं, 2 ओवर का पावर प्ले समाप्त हो गया है। अब आप 5 फील्डरों को 30 गज घेरे के बाहर रख सकते हैं। बेहतरीन क्रिकेट का आयोजन इस बाबा बड़ीला ताल की धरती पर। अमर शहीद नागेंद्र यादव और रिंकू की स्मृति में यह मैच, यह टूर्नामेंट कराया जा रहा है। एक नहीं भाई के क्या नसीब कल था, बढ़िया कार्य कह सकते हैं बुलबुल और उनकी टीम का। हर साल की भांति इस साल भी एक बड़े मैच का आयोजन कराया इन्होंने। इन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। अब देखते हैं तीसरा ओवर, बॉलर का नाम बता दीजिए भैया, फिर यहाँ पे हमारे फैयाज भैया खड़े हैं। अलवाज चलिए अलवाज अपने हाथ को घुमा रहे हैं। सामने बल्लेबाज राहुल ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं। ये बेहतरीन खेल का नजारा दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। कमल मैरिज लॉन, ये जो स्टेज बना है ये इन्हीं की देन है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोपराइटर अजय यादव और अमित यादव, शादी विवाह के लिए सुपर सगा पाली गाजीपुर ना बोल तो रहे हैं भैया, अच्छा लिखा है तो सगा पाली। चलिए कोई बात नहीं, एक बार फिर अलवाज तैयार अपने ओवर का। गेंद करने के लिए पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे, बीट हुए। गेंद सही तरीके से बैट पर आई नहीं, शॉर्ट पिच गेंद थी, किसी भी दिशा में खेल सकते थे। यह जो मैच है 8+8 ओवरों का मैच, गिलमान प्रधान गालीपुर वर्सेस सुपर सागा पाली गाजीपुर। बेहतरीन क्रिकेट का आयोजन और बेहतरीन मैच चलता हुआ इस बाबा बड़ीला ताल की धरती पर। चलिए अलवाज तैयार सामने बल्लेबाज राहुल के लिए, पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे, बीट किया एम्पायर की तरफ लेकिन नहीं। एम्पायर नागेंद्र चौहान जी बहुत सालों से यहाँ पे एम्पायरिंग कर रहे बाबा बड़ीला ताल की धरती पर, बेहतरीन एम्पायरों में से एक। एक बार फिर अलवाज दयाल लगातार 2 बार छकाया है बल्लेबाज राहुल को इस ओवर में, तीसरी बार तीसरा ओवर लेके अपनी टीम की तरफ से। फिर से पक्की हुई गेंद उठा दिया है, उसके नीचे फील्डर मौजूद है और पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा पकड़ नहीं, आप ये नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल बॉलरों का कोई दोष नहीं है, फील्डिंग से साथ नहीं मिल रहा है, बढ़िया कैच था, पकड़ना चाहिए था एकदम आसान।
आसान सा कैच छूटता हुआ यहाँ फील्डर से, और प्रयाज काफी नाखुश दिख रहे हैं अपने फील्डिंग से। एलवास दो गेंद डॉट कराने के बाद लगभग फंसा लिया था, लेकिन फील्डर से फिर साथ नहीं मिला। एक बार फिर तैयार अलवास, यह गेंद बेहतरीन गेंद, छक्का बल्लेबाज को, बहुत बढ़िया बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी करते हुए अलवास। बेहतरीन गेंदबाजी अलवास की, लगातार बैट्समैन को बीट कर रहे हैं, स्कोर को एकदम स्टॉप लगा दिया है, जकड़ दिया है, बढ़ने नहीं ले रहे हैं। 36 रन पे जा पहुंचा है यह स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पे सुपर सागात अली गाजीपुर का। पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे, नहीं समझ आई, बिल्कुल छका रहे हैं बड़े बल्लेबाज मनीष और राहुल दोनों को। बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक तो 5 गेंदे और 5 सटीक गेंदे, अगर फील्डर का साथ मिलता तो विकेट भी जाता। ये एक रन आया बस, पे कैच ड्रॉप हुआ था उसी में बस। बेहतरीन गेंदबाजी अलबाज की, पूरा समर्पण गेंदबाज अलबाज का। एक बार फिर अलबाज तैयार सामने बल्लेबाज मनीष, बड़ा नाम है मनीष का। पटकी हुई गेंद, नहीं इस बार नहीं बचेंगे आप। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, पांचों बेहतरीन गेंद करने के बाद आखिरकार एक पटकी हुई गेंद मनीष ने उसे उठा फेंका बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर 42 रन, 3 ओवर की समाप्ति पर 42 रन, 14 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बन रहे हैं। और इस मैदान पर 14-15 के हिसाब से ही रन बनते हैं, तो बिल्कुल बढ़िया मैच देखने को मिलेगा हमारे दर्शकों को। चलिए गेंदबाज तैयार अनिल, एक बार फिर पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे, एम्पायर का अपील और फर्स्ट बाउंस का इशारा, छकाया बल्लेबाज को। बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, अगर फील्डर का साथ मिलता तो यह स्कोर कुछ और ही होता। दोनों बल्लेबाजों को जीवनदान मिल चुका है, मनीष और राहुल को। चलिए एक बार फिर छोटा सा रन पाया बल्ले बॉलर का, तैयार गेंद पटकी हुई गेंद, उसको पॉइंट की सॉरी स्लिप की दिशा में खेल दिया, उसके नीचे फील्डर दौड़ते हुए नहीं पहुंच पाएंगे। गेंद दंदनाती हुई भागती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है, बल्ले पे ढंग से अब कनेक्ट नहीं हो रही है। दूसरा ओवर छोड़ दिया जाए तो बढ़िया बॉलिंग अभी तक हुई है गालीपुर गिलमान प्रधान टीम की तरह से। यह गेंद मारना चाहते थे, गेंद लेग साइड में, वाइड का इशारा एम्पायर का, अतिरिक्त रन। चलिए एक बार फिर तैयार, यह गेंद पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे, गेंद वहीं छिटक के रह गई और फिर को बीट तो करा दी थी लेकिन स्लिप के फील्डर ने चुस्ती दिखाई। आरपीएस का देखते हैं भाई अभी। हो सकता है कल हो। चलिए कल मंजीर बटी का है, क्रिकेट का हो रहा है यहाँ पे गिलमान प्रधान गालीपुर वर्सेस सुपर सागापाली गाजीपुर के बीच। यह गेंद पटकी हुई गेंद घुमा दिया है मनीष ने, गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। बढ़िया बैटिंग मनीष की, मनीष जाने माने बैट्समैन माने जाते हैं, मैंने इनका नाम काफी सुना हुआ है और शायद पहले मैच के मैन ऑफ द मैच भी है। ये बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। चलिए एक बार फिर से तैयार अनिल, सामने बल्लेबाज मनीष, गाजीपुर को एक सजी शुरुआत मिल चुकी है।
कप्तान गवार फिर ऊपर की गेंद उठा दिया, गेंद बाउंड्री सीमा लगा गवार 6 रन। अगर कैच पकड़ते हो तो ₹50 का पुरस्कार मिलता। जनाब रेहान संजरी पीसीएम ग्रुप ऑफ उत्तराखंड की तरफ से जनाब रेहान संजरी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हर मैच जहां भी होता है आजमगढ़ में उनकी तरफ से इनामों का बौछार रहता है। एक बार खीर पटकी हुई गेंद, कैच 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 नहीं पकड़ पाए, नहीं मनाएगा ये गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रन। फील्डर का साथ नहीं मिल रहा है। ओवर की समाप्ति, स्कोर 64 रन, 20 रन खर्च किया अनिल ने इस ओवर में। टोटल स्कोर 64 रन, यानी कि 22 रन खर्च किया। अब मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी का जिम्मा खुद फयाज ने संभाला है। बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है गाजीपुर की तरफ से, एक पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर रही है गाजीपुर की टीम। गिलमान प्रधान गालीपुर वर्सेस सुपर सागापाली गाजीपुर, गालीपुर वर्सेस गाजीपुर। फुल टॉस गेंद उठा दिया, उसके नीचे फील्डर मौजूद था और ये सीधा उसके हाथ में, एक खराब गेंद पर विकेट मिलता हुआ एकदम बेहतरीन। जब कोई भी बॉलर विकेट नहीं ले रहा था, फयाज ने सोचा कि जिम्मा मैं खुद लेता हूं और ओपनिंग जोड़ी, ओपनिंग साझेदारी को तोड़ा। 64 रनों की साझेदारी पर गिरता हुआ पहला विकेट सुपर सागापाली गाजीपुर का। अब बल्लेबाजी पर जाते हुए टोनी सिंह भैया है तो हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल टोनी सिंह है। लाइक और शेयर करते रहे, लाइक और शेयर करते रहे। चलिए प्रयास तैयार है, टॉर गेंद जो है 80 अनियमित उछाल लेकर गेंद विकेट कीपर को छकाती हुई बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और एम्पायर से कुछ मांग करते हुए। जी हाँ भाई, मेरे ख्याल से पहुंच चुकी है क्योंकि 2 मैच निकाल चुकी है। गेंदबाज की कोई गलती नहीं थी, पिच पे ही गेंद गिरी और विकेट कीपर को छकाया। एक बार फिर फयाज तैयार, चढ़ी हुई गेंद उसको दंदनाता हुआ साइड ऑफ साइड में, कोई भी फील्डर मौजूद नहीं। 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई, गैप में खेली थी यह शॉट टोनी सिंह ने। स्कोर 72 रनों पे जा पहुंचा है फयाज, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। एक बार फिर चले टोनी सिंह के लिए, यह गेंद उसको उड़ा दिया है, बहुत ही लंबा छक्का, नहीं पकड़ पाया उधर बाहर दर्शक, पकड़ता तो जनाब रेहान संजरी की तरफ से ₹50 का पुरस्कार मिलता उसको। अभी तक 2 बढ़िया गेंद के बाद थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए रडार में डाल रहे हैं, वहां गेंद करेंगे तो वो तोहफा होगा टोनी सिंह के लिए, और तोहफे को स्वीकार करते हैं। चलिए फयाज एक बार फिर तैयार, सामने बल्लेबाज टोनी सिंह। 3 गेंद का सामना किया है, 10 रन जड़ चुके हैं। स्कोर को रोकना होगा, 78 रन का विशाल स्कोर हो गया है। यह गेंद फिर से मारना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लेके सीधा गई फील्डर के हाथ में, बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर लेंगे। तो बता दें हम कि स्कोर काफी ज्यादा हो रहा है। बॉलर और क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी चुस्ती फुर्ती दिखानी पड़ेगी। चलिए एक बार फिर प्रयास तैयार, सामने पड़ा बल्ले
बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 6 रन। काफी लंबा छक्का मनीष का, बेहतरीन बल्लेबाजी मनीष की। स्कोरर महोदय से जानना चाहेंगे कि मनीष का निजी स्कोर कितना हो गया। 39 रन, 39 टोटल स्कोर जा पहुंचा है 85, 85 रन। बॉल चाहिए, देखिए अध्यक्ष रेफरी बुलबुल यादव जी। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर बहुत ज्यादा, 85 रनों का लंबा लक्ष्य। अभी 3 ओवर की गेंदबाजी आनी बाकी है। एक बार फिर बुलाया गया है अलवाज को। टोनी सिंह और मनीष की जोड़ी को तोड़ने के लिए अलबाज तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर। देखते हैं कि इस ओवर में कितना रन जुटाती है सुपर सागापाली गाजीपुर। गेंद बिल्कुल नहीं समझ आई, ना बल्लेबाज को ना विकेटकीपर को। गेंद दंदनाती हुई भागती हुई सीमा रेखा के बाहर। बाई का चौका, बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। मैं पहले से ही कह रहा हूं कि गिलमान प्रधान की या जो गालिबपुर टीम है फील्ड से साथ नहीं दे रही अपने बॉलरों का। अगर फील्ड अच्छा करते तो स्कोर थोड़ा कम ही होता। बड़ी टीम है यह गालीपुर की टीम। गिलमान प्रधान और सुपर सागापाली गाजीपुर। 8+8 ओवरों का यह मैच, 6 ओवर प्रगति पर। यह गेंद फिर नहीं समझ आया, आउट की अपील किसी एम्पायर, ना लेग साइड ना स्ट्रेट एम्पायर, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं। बेहतरीन एम्पायरों में से एक नागेंद्र चौहान और हमारे हरेंद्र भैया। नाखुश नजर आता हुआ विकेट कीपर, लेकिन ये तो एक चतुराई होती है, चिल्ला के एक विकेट निकाल लो। चलिए एक बार फिर तैयार, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अलवाज अपनी टीम गाजीपुर की तरफ से, सॉरी गालीपुर की तरफ से। एक बार फिर तैयार सामने टोनी सिंह, पटकी हुई गेंद फिर जाके पैर से टकराई और आउट ऑफ फील्ड बहुत तेज है और पैर से रोका। जब तक फील्ड करके थ्रो करते 3 रन दौड़ के पूरा कर लिया, लेग बाई का इशारा हमारे एम्पायर का। तो यह 3 रन के साथ सुपर सागापाली गाजीपुर का स्कोर 92 रन, 92 का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर। राहुल का विकेट गिरा है, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन एक अच्छा कैच पकड़ा गया मिड ऑफ में। एक बार फिर तैयार, चली गेंद बैट पे, जाइए लेकर आइए। बेहतरीन छक्का मनीष के बल्ले से, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, जैसा नाम बड़ा नाम और बड़ा काम करते हुए मनीष। एकदम बढ़िया गेंदबाजी हो रही थी, लेकिन एक चढ़ी गेंद मनीष के पाले में और बढ़िया ठिकाने पे पहुंचा दी है मनीष ने। बाल बाल बचे यहां पे बॉलर, गेंद सीधा उनके सर पे जाके गिर सकती थी। चलिए फिर से तैयार है अलवाज, गिलमान प्रधान गालीपुर की टीम की तरफ से, टीम का 6 ओवर लेकर चलते हुए। बेहतरीन गेंद, सही नसीहत, गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। हमारे स्कोरर महोदय बताइए, ये हैट्रिक छक्का है क्या? और यह हैट्रिक छक्का है, लास्ट बॉल का 6 था और ये लगातार 2 छक्का मनीष का। गिलमान प्रधान गाजीपुर की टीम को चाहिए थोड़ी और अच्छी बॉलिंग। चलिए एक बार फिर अलवाज दौड़ते हुए, फिर पटकी गेंद लगातार 4 छक्का।
चुके हैं तीन इस ओवर में, एक पिछले ओवर में। जनाब रेहान संजरी की तरफ से 300 का पुरस्कार, जीत चुके हैं मनीष। सुपर सागापाली गाजीपुर के टीम के बल्लेबाज मनीष बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक भी बना लिए हैं। हाफ सेंचुरी है अपना, अभिवादन स्वीकार करिए, बहुत अच्छा। और दर्शकों से चाहिए कि भाई अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, इतना बढ़िया बल्लेबाज बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है। और आप लोग ताली बजा के अभिवादन स्वीकार कर सकते हैं। सभी लोग मैच देखते हैं भैया, और जो स्टेडियम में मैच होता है उसी तरीके से ये भी मैच हो रहा है, बस वो थोड़ा बड़ा मैच होता है। वहां के दर्शकों से कुछ तो सीखे ही होंगे आप लोग। जब कभी कोई बल्लेबाज पचासा लगाता है तो पूरा स्टेडियम उनको बधाई देता है, और यहाँ की जनता ताली बजाने में भी कसरा रही है। यहाँ जनाब रेहान संजरी साहब तीन छक्के पे 300 दे रहे हैं, बाहर कैच पकड़ने का 50 दे रहे हैं, और आप लोग ताली नहीं दे पा रहे जो फ्री में दी जा रही है। और मेरे एक योग गुरु ने कहा था कि ताली बजाने से ना बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। चलिए ये गेंद इस बार टोनी सिंह, इस बार टोनी सिंह। अब खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता हुआ। अगर लगातार तीन मनीष लगा सकते हैं तो लगातार मैं भी लगाऊंगा। एक की शुरुआत तो कर दी है टोनी सिंह ने, बेहतरीन गेंदबाजी करने की जरूरत है आपसे, स्कोर बहुत ज्यादा लग चुका है। 116 का विशाल लक्ष्य, एक बार फिर उसको घुमा दिया, उसके नीचे फील्डर मौजूद। जब तक थ्रो करते एक रन दोनों बल्लेबाज पूरा कर लिए। 117 रन बन चुके हैं सुपर सागापाली गाजीपुर का। गिलमान प्रधान गाजीपुर और गालीपुर दोनों एकदम सेम से निकल पा रहा है, गाजीपुर और गालीबपुल। यह गेंद स्लो डिलीवरी, नहीं चकाया बल्लेबाज को, रन लेना चाहते थे टोनी सिंह, मना किया मनीष ने, कंफ्यूज कर दिया है गालीबपुर और गाजीपुर ने हमको। चलिए स्कोर 117, गेंदबाजी पर फिर से स्लो डिलीवरी, गेंद निचले हिस्से में लग के वहां लुढ़क कर गई पीछे। जब तक फील्डर फील्ड करता एक रन ने पूरा कर लिया। 118 गाजीपुर का, सुपर सागापाली गाजीपुर 118 रन बन चुका है। सामने गिलमान प्रधान की टीम, फिर से स्लो डिलीवरी, इस बार परख लिया, उसके नीचे फील्डर मौजूद थे लेकिन पहुंच से दूर, गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर। 6 रन, गेंदबाजी में बिल्कुल सुधार नहीं आ रहा, जो आ रहे हैं छक्का खा रहे हैं। लाजवाब बैटिंग गाजीपुर की तरफ से। 124 रन बन गया है। एक बार फिर बॉल हाथ से छूटी और उसको सही नसीहत, 6 रन नहीं, एम्पायर का इशारा, नो बॉल नहीं है, बॉल ड्रिप हो रही थी, नीचे गिर जाती। ओवर की समाप्ति है ना भैया, ओवर ना कि छक्का का इशारा दिए हैं, ओवर ठीक है, ओवर भी हो गया और छक्का भी है ठीक है। और स्कोर भैया फाइनल तो है 14 तारीख को, ओवर की समाप्ति पर 14 तारीख को फाइनल खेला जाएंगे। 135 रन शायद हाईएस्ट स्कोर है यहाँ का, नुमान एंड कंपनी नसीरपुर का। 135 रन बनाई थी कल, 136 रन पे चाहिए था जीता। और वहीं सुपर सागापाली गाजीपुर की टीम 7 ओवर में 130 रन। अच्छा तो हमारे एम्पायर मिस्टर हरंदर घर से खाना खा के आए कि घर जाके खाना खाएंगे? बुलबुल ने पूछा कि भैया पूछ ले खा के आना कि घर जाके खाइए। चलिए भाई जोगरी के मैच के बारे में नहीं पता है भाई। गेंद मनीष को घुमा दिया, लपेट दिया, उसके नीचे फील्डर मौजूद तो नहीं, गेंद बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर। 4 रन,
बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी मनीष की, जैसा नाम वैसा काम, ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं। स्कोर कितना हो गया? 134 रन। मैं मनीष का पूछ रहा था। चलिए एक बार फिर बॉलर तैयार मनीष के लिए। पटकी गेंद उठा दिया, बहुत दूर गई ये गेंद, 6 रन। और इधर एक दर्शक कैच पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा कि थोड़ी सी चोट आई होगी उसके सर में, क्योंकि गेंद हाथ की जगह उसके सर पे गिर गई। बहुत कुछ देखने को मिल रहा है आज, मजा आ रहा है। 140 पटकी गेंद, फिर घुमा दिया, कोई पकड़ो फिर से, नहीं है कोई। एक और छक्का। मैं तो अब चाहूंगा स्कोरर महोदय से कि आप जब तक गेंद आ रही है स्कोर जो है वो बता दीजिए कि मनीष कितना रन बना चुके हैं। रन काट लीजिए, 146 रन हो चुके हैं, और बता दीजिए कि कितना रन है। एक बार फिर हैट्रिक पर है मनीष। चढ़ी गेंद, लगातार दो हैट्रिक एक ही मैच में, 600 रुपए का बढ़िया पुरस्कार मिल चुका है। एक मिनट जरा सा रुकवा दीजिएगा एम्पायर, एक सेकंड के लिए। चलिए, मुझे लगा कि पहुंच गए होंगे शतक के नजदीक, 70 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए एक बार फिर तैयार है बॉलर, गेंद मनीष के लिए, रोक कर सिंगल दे दिया। रन नहीं भागेंगे, अब सामना करेंगे टोनी सिंह। बची हुई गेंद, तीस रन पर बल्लेबाजी कर रहा है टोनी सिंह। आखिरी गेंद है, सामने बल्लेबाज टोनी सिंह, देखते हैं कैसा फिनिश करते हैं यह गेम। गेंद पटकी हुई, गेंद बहुत दूर मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, और यह विकेट। ओवर की समाप्ति, तो 8 ओवर की समाप्ति पर सुपर, जिसका भी कल मैच रहेगा पाली गाजीपुर की टीम पोस्ट कर दिया जाएगा पेज पर। 153 रन का विशाल लक्ष्य रख दिया, 153 रन विशाल लक्ष्य है गिलमान प्रधान की टीम गालिबपुर को। अब एक और वही फिर से सवाल, घिसा पिटा सवाल मिस्टर हरिंदर भैया के लिए। हेलो, खा के आई लोग, खा के जाके खाई है। लाइक और शेयर करते सारे लोग, लाइक और शेयर करते नहीं भिजवा। अच्छा बुलबुल भैया वो कहते हो कि भिजवाओ अमेरिकन। एक है सुपर सागा पाली गाजीपुर और एक है गिलमान प्रधान गालिबपुर। गिलमान प्रधान गालिबपुर के कैप्टन भैया संपर्क कर ले। आज शाम को यहाँ पे आपको बुलबुल जी की तरफ से दावत है, कह रहे हैं कि मुर्गा बनी आज जो ने दिन भर के बुखार लिए साजी के चाप के खेंगे। कह तो इतना टाइम बर्दाश्त करा तू, अब सीधा मुर्गा खेंगे तो के नाश्ता। चलिए सुपर सागा पाली फील्डिंग लगा लीजिए। चलिए
गिलमान ने प्रधान ने गालीपुर के कप्तान संपर्क कर लीजिए बुलबुल अध्यक्ष जी से और दोनों बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान में। पहला ओवर राहुल के हाथ में गेंद दिख रही है। कप्तान गालीपुर भैया संपर्क कर लीजिए। अगर यह मैच मुकाबला स्टार्ट कराना है तो आप एक बार संपर्क कर लीजिए ताकि हरी झंडी मिल जाए अंपायरों को। बल्लेबाजी पे दो लोग तैयार हैं, अभी थोड़ा रुके रहिए। हरी झंडी नहीं मिला, अच्छा आ रहे हैं। चलिए एक ओवर करवाइए तब तक अंपायर महोदय। बल्लेबाज का नाम बता दीजिए। एक तरफ तो अनिल दिख रहे हैं और सामने चलिए राहुल तैयार है। पहली गेंद पुश कर दिया और मना किया अनिल ने। एक रन हो सकता था लेकिन मना किया। स्कोर बहुत ज्यादा बन गया है तो मार के खेलने के लिए बोले। विशाल है स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर अनिल। राहुल तैयार, पटकी गेंद मारना चाहते थे पीट हुए। स्कोर 153 रन बना है, 154 रन की जरूरत है अगर यह मैच जीतना है गालीपुर को। तो पटकी गेंद ऑफ साइड में खेल दिया है। गेंद वन बाउंस टू बाउंस चौका। अजीत यादव छात्र नेता श्री दुर्गा जी पीजी कॉलेज अध्यक्ष पद के प्रत्याशी उनके हाथ में। चलिए एक बार फिर तैयार राहुल गेंदबाजी करते हुए। पटकी गेंद मारना चाहते थे बीट हुए। एक रन में चुराना चाहते हैं। डायरेक्ट हिट नहीं, डायरेक्ट हिट होती तो शायद अपना विकेट खो देते। हीरो मनीष जी हैं बिल्कुल। स्कोर 5 रन हुआ है 154 के जवाब में। 5 रन बनी है, बना है। लक्ष्य रख दिया है गाजीपुर की टीम ने गालीपुर के लिए। गेंद मारना चाहते थे बीट हुए। अवनीश मास्टर साहब संपर्क करिए। फिर से राहुल तैयार, नहीं समझ आई बिल्कुल। गेंद सीधा जाके स्टंप से टकराई। अनिल जीरो डक पर आउट होते हुए। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राहुल। बल्लेबाजी भी बढ़िया की थी, ताबड़तोड़ बैटिंग की थी अपनी टीम के लिए और गेंदबाजी भी अच्छी करते हुए। बिल्कुल जैसी शुरुआत चाहिए थी गाजीपुर को वैसी मिल गई। एक ओवर की समाप्ति पर 5 रन पर 1 विकेट बनाने हैं। एक विशाल लक्ष्य बनाना है, 154 रन का विशाल लक्ष्य। अब बल्लेबाज उमर सैयद है। चलिए गेंदबाजी पर है टोनी सिंह।
सामने बल्लेबाज विशाल, यह गेंद यॉर्कलैंड की गेंद खोद दिया है, जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन ने पूरा कर लिया, स्कोर जा पहुंचा 6 रनों पर। गिलमान प्रधान गालीपुर का बेहतरीन गेंदबाजी भी हो रही है, जैसी बल्लेबाजी हुई थी इस बाबा बड़ीला ताल स्पोर्ट्स स्टेडियम का सबसे ज्यादा रन। यह गेंद फिर यॉर्कलैंड की गेंद, नहीं समझ आई उमर को, खोद कर निकाल दिया 1 रनों के लिए। चलिए टोनी फिर तैयार, यह गेंद मारना चाहते थे, वाइड की मांग है लेकिन अंपायर ने खारिज किया कि वाइड नहीं है ये। और गाजीपुर बेहतरीन खेल का प्रदर्शन इस बाबा बड़ीला ताल स्पोर्ट्स स्टेडियम पर, फिर से पटकी हुई गेंद, चढ़ी हुई गेंद उठा दिया, गेंद बाउंड्री से मार के बाहर 6 रनों के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी विशाल की, लड़ रहे एक तरफ से अपनी टीम गालीपुर के लिए। टोनी सिंह भैया एक सूचना मिली है, सोनू और सुजीत के भाई को बिछड़ गया है, भाई संपर्क कर ले, सोनू सिंह और सुजीत राजभर का कोई भाई बिछड़ा हुआ है। एक बार फिर टोनी सिंह तैयार, एक बार फिर उठा दिया है गेंद बहुत ऊपर, फील्डर राहुल सेट करते हुए नहीं पकड़ पाएंगे, फिर से गेंद बाउंड्री से मारेगा के बाहर 6 रनों के लिए। लगातार तो स्कोर 19 रन, 19 रन बन चुके हैं गालीपुर के 154 के जवाब में। टोनी फिर से तैयार, अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो जनाब रियान संजरी की तरफ से 300 का पुरस्कार। यह गेंद शरीर पर लगी, एम्पायर क्या इशारा का प्रतीक्षा नहीं, ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर अनिल का विकेट गिर चुका है गालीपुर की टीम का। अब फिर से आए हैं सुपर सगापाली गाजीपुर की तरफ से राहुल गेंदबाजी करने के लिए, कोटे का दूसरा और टीम का 3रा ओवर लेकर, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए राहुल, बल्लेबाजी भी बढ़िया की थी इन्होंने, एक बार फिर उठा दिया है उमर ने बेहतरीन छक्का, लास्ट बॉल पर 6 उमर के बल्ले से। ये स्कोर कुछ 115-120 के आसपास रहता तो मजा आता, लेकिन फिर भी कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, मुश्किल लक्ष्य है लेकिन नामुमकिन नहीं। एक बार फिर राहुल तैयार, पटकी गेंद और नहीं, छकाया बल्लेबाज को, गेंद सीधा विकेट कीपर से छिड़कती हुई स्लिप के हाथों में। एक बार फिर राहुल तैयार सामने बल्लेबाज उमर के लिए, नहीं समझ आई, बिल्कुल छक्का खाने के बाद वापसी करते हुए गेंदबाज राहुल। एक बार फिर तैयार है राहुल, यह गेंद यॉर्कलैंड की गेंद खुद रोक भर दिया और आराम से दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल पूरा कर लिया, स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों पर, 26 रन। राहुल तैयार सामने बल्लेबाज विशाल, एक बार फिर तैयार है राहुल, पटकी गेंद पॉइंट की दिशा में खेल दिया, उसके नीचे फील्डर मौजूद, बहुत बेहतरीन फील्डिंग, बहुत लाजवाब फील्डिंग, यहां पर निश्चित ही 3 रन बचाया अपनी टीम का। स्कोर 27 रन, 27। एक बार फिर तैयार है राहुल सामने उमर, आगे बढ़ के खेलना चाहते थे और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन, रन रेट ज्यादा का चाहिए, लगभग 19-20 का।
27 रन 9 के करीब रन रेट चल रहा है गालीपुर का। चलिए टोनी सिंह यह गेंद रिवर्स स्वीप करने का प्रयास में से बढ़िया गेंदबाजी टोनी सिंह की, अपने स्विंग से बीट कर रहे हैं। सामने बल्लेबाज जो तैयार है राहुल, टोनी सिंह एक बार फिर पटकी गेंद मारना चाहते थे, नहीं समझ आई, छकाती हुई सीधा विकेट कीपर के हाथों में। टोनी सिंह तैयार, यह गेंद मारना चाहते थे लेकिन सही से बल्ले पे आई नहीं। लगातार तीन डॉट गेंदे, रन बहुत ज्यादा चाहिए, डॉट बॉल से प्रेशर बढ़ेगा बल्लेबाजी पर। शुरू से ही ताबड़तोड़ खेलने की जरूरत है अगर मैच को जीतना है गालीपुर को तो। यह गेंद पटकी गेंद खेल दिया है, उसके नीचे फील्डर मौजूद, एक बार फिर बढ़िया फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग का नजारा दिखाते हुए एक बार अपने बाई तरफ जाके बढ़िया फील्डिंग की, इस बार अपनी दाई तरफ। एक बार फिर टोनी सिंह, सामने बल्लेबाज उमर, यह गेंद उसको उठा दिया, उसके नीचे फील्डर है मौजूद, गैप में खेली गई 60 गेंद, बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अब हल्की हल्की हवा चलती हुई, ठंड बढ़ती हुई, गेंद पहुंचा दिया जाए वॉलंटियर सदस्य, गेंद को पहुंचाइए प्रवीण भाई, अविनाश भाई, बुलबुल। मैच कुछ छड़ों के लिए रुका हुआ, तो बहुत गेंद फटेगी। चलिए टोनी सिंह एक बार फिर तैयार, सामने बल्लेबाज उमर, फटकी गेंद फिर से खेल दिया, इसके नीचे फील्डर मौजूद, इस बार सामने बढ़िया फील्डिंग। स्कोर जा पहुंचा 4 ओवर की समाप्ति पर 33 रन, 33-3-3, 33 रन का स्कोर बन चुका है इस ओवर में। चलिए अब बॉलिंग मार्ग पर मनीष, सामने बल्लेबाज उमर, यह गेंद गैप में खेल के आराम से एक रन पूरा कर लिया, जब तक फील्डर फील्ड करके थ्रो करते। एक बहुत बढ़िया मैच का आयोजन हुआ बाबा बड़ीला ताल स्पोर्ट्स स्टेडियम पर, दो टीमों के बीच में अच्छी मैच, अच्छा मैच चलता हुआ, अच्छी गेंदबाजी डॉट कराया विशाल से, मनीष बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। एक बार फिर तैयार, सामने हैं बल्लेबाज मनीष के लिए, गेंद उठा दिया है पहले में, गेंद उठा दिया 6 रनों के लिए। जो भी चढ़ी हुई गेंद मिल रही है उसको सही नसीहत दे रहे हैं विशाल, ओपनिंग करने आए थे एक तरफ से एक छोर से, अच्छी बल्लेबाजी करते हुए गेंद डॉट तो कर रहे हैं लेकिन रन भी लगा रहे हैं। स्कोर 40 रन बन चुका है गिलमान प्रधान गालीपुर का। चलिए एक बार फिर तैयार, पटकी गेंद छकाया, एक बार फिर मनीष तैयार, गेंद पटकी गेंद मारना चाहते थे, बीट हुए
असामान्य उछाल लेती हुई। लाइव में क्या होगा, लाइव तो सही चल रहा है, अच्छा खासा नेटवर्क है, सब कुछ ठीक चल रहा है। यह गेंद फिर से छकाया, एक छक्का खाया है इस ओवर में बस, और एक सिंगल। तो पांच ओवर की समाप्ति पर गालीपुर का स्कोर 40 रन। अब नए गेंदबाज देखते हैं कौन आता है गाजीपुर की तरफ से, सुपर सागापाली गाजीपुर। लगभग मैच में मजबूत पकड़ बनाती हुई, अब यहां से 100 प्लस का स्कोर चाहिए। चलिए एक बार फिर तैयार है, पटकी गेंद, स्कोर ड्राइव कर दिया है, सामने राहुल मौजूद, गेंद को फील्ड करेंगे। बल्लेबाज के पास मौका है एक रन लेने का। एक बार फिर यह गेंद मारना चाहते थे, बीट हुए। विशाल 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 के लिए यह गेंद उठा दिया है, गेंद हाई एंड हैंसम, उसके नीचे मनीष मौजूद, नहीं छोड़ते हैं ये कैच, पकड़ लिया गया यह कैच। अब स्ट्राइक लेने जा रहे हैं फयाज। स्थिति बद से बदतर होती हुई गालीपुर की, 41 रन, अभी भी 115 के आसपास स्कोर चाहिए। एक बार फिर तैयार, पटकी गेंद, फयाज उसको मारना चाहते थे, मिस हुआ। आउट की अपील है लेकिन अंपायर ने नकारा। बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए विशाल, एक बार फिर दौड़ते हुए फयाज के लिए, फयाज इसको फिर से मारना चाहते थे, गेंद सही से आई नहीं, और जब तक बॉलर फील्ड करते एक रन पूरा कर लिया, लेकिन भाई का इशारा अंपायर का, यानी कि गेंद जाके उनके शरीर से टकराई। अब स्कोर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 42 रन पर। यह गेंद पटकी हुई गेंद, दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा वाइड। 43 रन गालिबपुर का। एक बार फिर तैयार, पटकी गेंद, फिर से दिशाहीन गेंद, फिर से वाइड। चलिए अब मैच लगभग गाजीपुर की झोली में जा चुका है, छठवां ओवर प्रगति पर है, दो ओवर में 100 रन से भी ज्यादा रन बनाने हैं। बीट किया, ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 44 रन का। अब दो ओवर में रन चाहिए 113 या 114, 154 पे जीत है, यानी कि 110 रन दो ओवर में। अब तो कुदरत का करिश्मा ही हमें जिता सकता है, लगातार नो बॉल पे नो बॉल हो, छक्के पे छक्के लगे। एक बार फिर मनीष, 7वां ओवर लेकर टीम का, बिल्कुल बैट का बाहरी किनारा, हाँ बैट का बाहरी किनारा, और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। आउटफील्ड बहुत बढ़िया है, भागती है गेंद बहुत तेज लगने के बाद। और जो लोग नहीं आ पाए यह मैच आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर जाके देख सकते हैं, लगातार ये भाई हमारे जो है यह मैच लाइव दिखाते हुए। यहाँ का फाइनल अध्यक्ष महोदय ने बताया कि 14 तारीख को फाइनल मैच कराना है। सारे दर्शकों और सारे फील्डरों को हम यह बात तो बता दें कि 14 जनवरी को यहाँ का फाइनल मैच कराया जाएगा। यह गेंद उसको उठा दिया, गेंद बहुत ऊपर, उसके नीचे फील्डर जाते हुए नहीं पकड़ पाए, गेंद वन बाउंस चौका। एम्पायर मिस्टर हरिंदर का सुंदर सा इशारा, 4 रनों का।
चलिए आखिरकार लगातार दो चौका लगा चुके हैं फयाज। एक बार फिर मनीष की गेंद, दंदनाती हुई गेंद विकेट कीपर के हाथों में, अच्छा कमबैक दो चौका खाने के बाद। स्कोर 52 रन। एक बार फिर उठा दिया है गेंद बहुत ऊपर और बहुत दूर भी, गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। व्हाट अ हाई एंड हैंडसम सिक्स बाय फयाज। स्कोर 58 रन। मनीष की गेंद पर एक बढ़िया शॉट खेलते हुए फयाज, इस ओवर में दो चौका और एक छक्का खा चुके हैं मनीष। एक बार फिर तैयार मनीष फयाज के लिए। यह फिर से यह गेंद फिर से उठा दिया है, फिर से गेंद बाउंड्री से मार के बाहर 6 रन, लगातार दो गेंदों में दो छक्का और स्कोर इसी छक्के के साथ जा पहुंचा है 64 रन। ऐसी बल्लेबाजी की जरूरत सुबह पहले ही से ही थी, स्टार्टिंग से ही अगर ऐसी बल्लेबाजी होती तो मैच निश्चित ही जो है बढ़िया होता। गेंद मांग रहे हैं दो भाई यहां से, चलिए गेंद आ गई है, तब तक एक बॉल निकाल लो। एक बार फिर मनीष से लगातार 300 का पुरस्कार है। यह गेंद उठा दिया है और सीधा हमारे सर के ऊपर से 6 रन, जनाब रान सुंदरी की तरफ से 300 का नगद पुरस्कार। चलिए खुश होते हुए मनीष की गेंदों पर लगातार 3 छक्का लगाया। अब आखिरी ओवर, एक ओवर का और खेल बचा हुआ है। रन बन चुके हैं, अब एक ओवर में 84 रन की जरूरत। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी गाजीपुर सुपर सागा पाली गाजीपुर की टीम और इसके जवाब में अच्छी शुरुआत नहीं दे पाए थे गिलमान प्रधान गाजीपुर की टीम के बल्लेबाज। गेंद दे दीजिए भैया, चलिए टीम की तरफ से आखिरी ओवर। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे प्रयास, लगातार 3 छक्का लगाया। यह गेंद इसको ड्राइव करके हल्के हाथ से 1 रन पूरा कर लिया उमर ने और दे दिया है प्रयास को, लीजिए और लंबे लंबे आप छक्के लगाइए, कुछ नहीं तो एंट्री का ही कुछ पैसा कम करवाइए। जनाब रेहान संजरी की तरफ से लगातार 3 छक्के पर 300 का पुरस्कार है। यह गेंद बोल्ड कर दिया, छक्का लगाने का प्रयास था, बोल्ड कर दिया प्रयास को। अब बल्लेबाजी करने जाते हुए बल्लेबाज जी का नाम आसिफ गए हैं बल्लेबाजी करने। बची हुई कुछ गेंदों पर 71 रन बने हैं अभी तक। यह गेंद मारना चाहते थे, नीचे फील्डर मौजूद, बढ़िया फील्डिंग, जब तक बल्लेबाज 1 रन पूरा कर लिए 72 रन बन चुका है गिलमान प्रधान गालीपुर का। एक बार फिर बॉलर तैयार, सामने बल्लेबाज उमर, अब अपना हाथ खोलेंगे, बिल्कुल खोलेंगे। गेंद बाउंड्री से मारेगा के बाहर 6 रन, देखकर ही लगा था कि अब यही हाथ खोलने वाले हैं। बची हुई
कुछ गेंद और शेष है, रन बन चुके हैं 78 रन। मैच में अब बस औपचारिकताएं ही चल रही हैं। एक बार पूरे तैयार, लगातार 3 छक्के पर जनाब रेहान संजरी की तरफ से 300 का पुरस्कार है। यह गेंद फिर से उड़ा दिया है, 6 रन लगातार 2 हो चुके हैं। सुजीत राजभर भैया, मिस्टर सुजीत राजभर, अविनाश आपको कमेटी बॉक्स में बुला रहे हैं। चलिए, अगर लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो 300 का पुरस्कार है। यह गेंद हो मिस कर दिए 300। चलिए मिलते हैं कल एक बार फिर से, गेंद ले लीजिए। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आज का टूर्नामेंट का यह आखिरी मैच था जो सुपर सागापाली गाजीपुर